हाँ जी, ये जनता का अपमान कर रहे हैं जो बात कर रहे हैं ना, वो जनता का अपमान कर रहे हैं, जो देश की गति बढ़ रही है उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसे ही देश का डंका बजेगा, तिरंगे की आन बान शान बढ़ रही है। जरूर आप नया बात बताएं। और सनातन का मतलब ये भी होता है राणा साहब, नए विचार। जब जैसे मिसाल के तौर पे विवेकानंद जी ने कहा कि हमको खेल के मैदान की जरूरत है, ये इतना अदम्य साहस होना चाहिए। ईश्वर नहीं, मंदिर नहीं, कहते हैं उस संत कहता है कि मुझे खेल का मैदान फुटबॉल खेलते हुए दिखना चाहिए, जाओ पहले फुटबॉल खेलो। ये अदम्य साहस होना चाहिए, ये सनातन है। ये इतना अदम्य साहस के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति सनातनी है। मैंने कभी यस नो में सवाल नहीं पूछा, लेकिन सवाल का प्रश्न पत्र में सिर्फ प्रश्न यही है, एंड यू हैव टू आंसर, एवरीबॉडी यू हैव टू आंसर नाउ दिस क्वेश्चन। जी प्रतीक जी नमस्कार, मैं एक बात बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में पहले सिर्फ सनातन था, हमारे बटने का रीजन था कि मुगल भी हम पे शासन किए, अंग्रेज भी हम पे शासन किए। अगर हम बटते नहीं, सिर्फ राजपूतों ने लड़ा या कुछ, मैं नाम जानना चाहता हूं आपको। हाँ, उपेंद्र त्रिपाठी नाम। त्रिपाठी जी प्रश्न आप नहीं, मैं ठीक है। और जब कोई कहे कि मुगल और कोई कहे क्रिश्चियन, तो यहां पर रिलीजन मत ढूंढिएगा, ढूंढने की गलती मत कर दीजिएगा कभी, वरना आप सनातनी नहीं है। क्योंकि जैसे ही मुगल कहा, उन्होंने किसी के कान खड़े हुए पंडित जी और कहा कि अरे मुगल मतलब तो मुसलमान, और क्रिश्चियन वो क्रिश्चियन हो गए अंग्रेज के। ना 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 ना, ना गलती मत करना। इन्होंने कहा कि एकजुटता, आप मुसलमान हैं, मेरा ही खून है, डीएनए मेरा ही है, आपका डीएनए मेरा है, और आपके वालिद का जितना खून गिरा इस देश की, इस मुल्क की मिट्टी में, उतना ही मेरे वालिद का गिरा, मेरे पिताजी का गिरा, तो अलग नहीं है। और ये डिबेट हिंदू मुसलमान की है भी नहीं, किसी ने नहीं, ऑफकोर्स आपको जोड़ना होगा, आपके विचार मेरे विचार से अलग होने चाहिए, यही सनातन भी है कि लड़ेंगे हम, पूछेंगे आपसे, जरूर पूछिए जी। प्रतीक जी, इस देश की आबादी 144 करोड़ है, और उसमें बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अगर संवैधानिक तौर पर जो है हम ये स्वीकार करते हैं कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो हमें कितनी सहनशीलता की जो है हमें परीक्षा देनी पड़ेगी, जरा बता दीजिए आप जो है। पहला सवाल ये है कि क्या सनातनी कुष्ठ रोगी है या कुष्ठ रोग है, हाँ या ना? सनातन कुष्ठ रोग हो ही नहीं सकता, सनातन कुष्ठ रोग हो ही नहीं सकता। प्रभात जी को नहीं, अब एक चीज के बाद आएंगे, बाद में एक चीज के बाद। सनातन कुष्ठ रोग, सनातन कोई रोग नहीं हो सकता, लेकिन सर ये नहीं, लेकिन नहीं, बस उत्तर ही लेंगे मैं। सनातन दवा है, कोई रोग नहीं है। मैं दवा इलाज है ही नहीं, जो है मैंने पूछा, हाँ ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल सनातन कुष्ठ रोग हो नहीं सकता है, और जो कह रहे हैं कि ये तो सत्य है, और सत्य रोग कैसे हो सकता है? रोग वोग नहीं, ना इलाज ना कोई दोष। सनातन मेरे लिए जैसे इस वक्त मुझे बेहद गर्मी लग रही है, एक ठंडी हवा या झोंके की तरह जो सांस देता है मुझे, वही है, वही प्रकृति के जो नियम कि सूरज पूरब से निकलेगा और पश्चिम में। और मैंने तो कहा कि ये वो सनातन है जिसने सिर्फ दिन की अभ्यर्थना नहीं की, सुबह की अभ्यर्थना नहीं की, स्तुतियां की, इसने रात्रि को भी कहा रात्रि देवो भव। तो ये है सनातन। मैं आया कहां से हैं आप? मध्य प्रदेश के। मैं कहां से? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सीधी जिले से। सीधी जिले से, क्या नाम है? संदीप शाह नाम है। संदीप शाह जी, क्या काम करते हैं? मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जिला पंचायत सदस्य हैं जी। कहां जा रहा है आपको, आए कैसे? मैं तो दिल्ली में आया हूँ कुछ। रुकिए, अभी वेट करिए, अभी नहीं पूछेंगे आपसे, वक्त